नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे झारखंड के कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स लोग स्कॉलरशिप फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, किसी कारण से छूट चुका है या कॉलेज से उनको अप्रूव नहीं मिला था, ठीक है। तो ये सब आपको फिर से एक बार आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिल रहा है एक बार फिर से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 दिसंबर तक लास्ट डेट था, जो कि फिलहाल अभी कॉलेज डेट दिखा रहा है, लेकिन कल से यानी कि 5 जनवरी से एक बार फिर से अप्लाई करने के लिए आपको मौका मिलेगा। जो लोग छूट चुके हैं या कॉलेज से उनको अप्रूव नहीं मिला है, एक बार फिर से इसका डेट को आगे तक बढ़ाया जा रहा है। 5 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक आप इसका स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको टाइमिंग मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक यानी कि 10 दिन आपको समय मिल रहा है। 15 जनवरी से आपको स्टार्ट किया जाएगा यानी कल से, और ये लास्ट डेट इसका होगा 15 जनवरी, 5 से लेकर के 15 जनवरी तक चलेगा। और कॉलेज से जो लोग को वेरीफाई नहीं हुआ होगा, कॉलेज स्टूडेंट उन स्टूडेंट को, उन लोगों को 5 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक उन लोग वेरीफाई कर सकते हैं कॉलेज वाले। तो जो लोग को अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ था स्कूल कॉलेज से, उन लोग अपना जा कर के वेरीफाई करा लेंगे। 20 तारीख तक लास्ट डेट है, नहीं तो आपका वेरीफाई कॉलेज वाला नहीं करता है 20 तारीख तक, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कॉलेज से सबसे पहले नंबर फर्स्ट में वेरीफिकेशन होना ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड के कल्याण स्कॉलरशिप के हर तरह का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को जानकारी मिले। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।